राखी, आज टिफिन में क्या लाई हो? अंडा भरकर लाई हूँ मिस। अरे वाह वाह, बढ़िया बढ़िया, टिफिन निकालो। रुक जाओ, मैं थोड़ा पेट खाली कर लेती हूँ। ये बोलकर सुनीता मिस ने पेट पर जोर से हाथ रखकर जोर से दबाया और एटम बॉम्ब किसी आवाज में उन्होंने पा दिया। क्लास में रखी सारी बेंच और कुर्सियाँ हिलने लगी। राखी डर गई, उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। पाद है या एटम बॉम्ब, वो मन ही मन यही सोचने लगी। राखी सुबह सुबह बहुत डरी हुई थी, क्योंकि राखी का इस नए स्कूल में आज पहला दिन है। उसने सातवीं कक्षा में एडमिशन लिया है और आज वो बड़ी डरी हुई है। नया स्कूल है, नए लोग हैं और नए टीचर्स, पता नहीं यहाँ मुझसे कोई दोस्ती करेगा भी या नहीं। राखी का डर जायज था, बचपन से ही वो एक स्कूल में पढ़ती थी, वहाँ के बच्चे उसके अच्छे खासे दोस्त बन गए थे। लेकिन कुछ ही दिनों पहले उसके पिता का ट्रांसफर हो गया और उन लोगों को इस नई जगह पर शिफ्ट होना पड़ा और राखी को इस नए स्कूल में एडमिशन लेना पड़ा। डर डर कर राखी क्लास में घुसी और तभी कहीं से एक बॉम्ब फटने की आवाज आई। वो आवाज इतनी तेज थी कि राखी कान पकड़कर बैठ गई और पूरा स्कूल हिलने लगा। भूकंप, भूकंप, भूकंप आया है, भागो भागो। लेकिन बाकी बच्चों को तो पता था कि ये असल में है क्या। उसमें से ही एक लड़की का नाम वर्षा था। वर्षा हंसती हुई राखी के पास आई। डर गई क्या? उठो, तुम नई लड़की हो ना? हाँ, लेकिन तुम हंस क्यों रही हो? अभी अभी जोरदार भूकंप आया था। वो भूकंप नहीं था पगली, वो तो सुनीता मिस ने पाद मारा था। पाद मारा था? इतनी जोर से कि स्कूल ही हिलने लग गया। हाँ, चलो बैठो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताती हूँ सब कुछ। सुनीता मिस ऐसे ही पाद मारती है क्लास में भी, धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। राखी वर्षा के साथ बैठ गई। वर्षा ने राखी को सुनीता मिस के बारे में बताया और कहा, रुक जाओ, अभी सुनीता मिस की ही क्लास है, वे अभी आएंगी। वर्षा ये बोल ही रही थी कि तभी क्लास में सुनीता मिस आ गई। उन्हें देखकर राखी डर सी गई। डरना ही चाहिए, इतना बड़ा तोंद उसने पहले कभी नहीं देखा था। सुनीता मिस बहुत मोटी थी और उनकी आंखें गोल गोल थी। आते ही उन्होंने एक जोर से डकार लिया। हरिओम, मस्त राजमा चावल खाया आज तो। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टीचर। बच्चों, तुम सब टिफिन में क्या लाए हो? वर्षा, तुम बताओ। ज्यादा कुछ नहीं मिस, बस रोटी और भिंडी लाई हूँ। भिंडी? तू क्या भिंडी खाती रहती हो? अरे ये नई लड़की कौन है, क्या नाम है तुम्हारा? सुनीता मिस ने राखी से पूछा। राखी ने डर डर कर जवाब दिया। मेरा नाम राखी है मिस, आज इस स्कूल में मेरा पहला दिन है। अरे वाह, टिफिन में क्या लाई हो राखी? अंडा बर्गर लाई हूँ मिस। अरे वाह वाह, बढ़िया बढ़िया, टिफिन निकालो। रुक जाओ, मैं थोड़ा पेट खाली कर लेती हूँ। ये बोलकर सुनीता मिस ने पेट पर हाथ रखकर जोर से दबाया और एटम बॉम्ब सी आवाज में उन्होंने पाद दिया। क्लास की सारी बेंच और कुर्सियाँ हिलने लग गई और फिर सुनीता मिस ने राखी का टिफिन लेकर उसमें से बर्गर खा लिया। आहा, बहुत स्वादिष्ट था, ऐसे ही रोज स्वादिष्ट भोजन लेकर आना, समझ गई ना? जी मिस। सुनीता मिस ने पढ़ाना शुरू ही किया था कि क्लास की घंटी बज गई। वो क्लास से निकल गई। ये क्या, मिस ने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं। मिस ऐसा ही करती है, क्लास में आकर खाना खाते हुए समय बिता देती है। और हाँ, मिस को भिंडी पसंद नहीं है, इसलिए भिंडी लाया करो, नहीं तो मिस हर रोज तुम्हारा टिफिन खा जाएंगी। पूरे दिन में सुनीता मिस ने स्कूल के अंदर 50 बार पाद मारा और 50 बार पूरा स्कूल हिल गया और साथ ही साथ मरे हुए जानवर जैसी स्मेल। राखी तो ताजुब कर गई। ऐसे भी टीचर्स होते हैं, बेशर्मों की तरह पाद मारते रहते हैं। अगले दिन सुबह सुबह उठकर राखी ने अपनी माँ से पूछा। माँ, टिफिन में क्या बना रही हो? मूली का पराठा बना रही हूँ बेटी, तुझे पसंद है ना? मर गई, मूली का पराठा,
मूली खाकर तो सुनीता मिस और बात मारेंगे। राखी ने माँ से कहा, माँ आप भिंडी बनाकर दो ना। भिंडी? मूली के पराठे के साथ भिंडी अच्छी नहीं लगेगी बेटी। आज मूली का पराठा ले जा, मैं कल भिंडी बना दूंगी। राखी डर डर कर मूली का पराठा लेकर ही स्कूल चली गई और आज सुनीता मिस तो प्लेट में खाना लेकर ही क्लास में आ गई। आज तो आते आते देरी हो गई, टीचर्स रूम में खाने का मौका ही नहीं मिला, इसीलिए क्लास में लेकर चली आई। आज खाने में क्या है मिस? आज तो है राजमा, साथ में 20 उबले हुए अंडे और साथ में 10 सफेद मूली, साथ में 1 किलो चावल। अरे बाप रे, पूरे दिन का खाना एक ही बार में खा जाएंगी क्या? नहीं नहीं, ये तो मिस का 1 घंटे का खाना है, मिस हर 1 घंटे में खाती है। सब बस बैठकर देखते रहे। सुनीता मिस ने 5 मिनट के अंदर 1 किलो चावल, राजमा, अंडे और मूली खा ली और खाते ही उन्होंने जोरदार ऐसा बाद मारा कि कुर्सी ही टूट गई। कुर्सी टूटते ही वो नीचे गिर पड़ी। अरे बाप रे, अरे लग गई रे जोर से। हाँ। और पात की बदबू से राखी बेहोश हो गई। अरे राखी को क्या हुआ, देखो तो जरा। वर्षा और बाकी बच्चों ने राखी को उठाया और टीचर्स रूम में ले गई। टीचर्स रूम में राखी के चेहरे पर ठंडा पानी छिड़काया गया, लेकिन सुनीता वहाँ नहीं आई। क्लास के सभी बच्चे राखी को लेकर टीचर्स रूम में गए हुए थे। उस मौके का फायदा उठाकर सुनीता सबका बैग चेक कर रही थी। राखी का टिफिन खोलते ही उसे मूली का पराठा दिखा। अरे वाह, मूली का पराठा, आज तो मेरी लॉटरी लग गई। सुनीता मूली का पराठा खाने लगी। उधर राखी को होश आया और ठीक उसी समय मूली का पराठा खाकर सुनीता ने फिर से जोरदार पाद मारा। फिर से पूरे स्कूल में बदबू फैल गई और स्कूल हिलने लगा। बदबू से राखी फिर से बेहोश हो गई। ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहा। राखी बीमार होकर घर गई और घर जाते ही उसने कहा, माँ मुझे इस स्कूल में नहीं जाना। क्यों बेटी, अभी तो सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं, क्यों नहीं जाना? राखी शर्म के मारे ये नहीं कह पाई कि सुनीता मिस भयानक पाद मारती हैं। उसकी माँ ने सोचा कि राखी बहाना बना रही है, इसीलिए राखी को हर रोज स्कूल जाना ही पड़ा। राखी स्कूल जाती रही और पाद की बदबू सहती रही। सुनीता मिस हर रोज उसका टिफिन खाती रही, वो और मोटी होती गई। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। सुनीता मिस का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था और एक दिन तो हद ही पार हो गई। क्लास के अंदर सुनीता मिस ने कहा, एग्जाम्स आ रहे हैं, सब लोग तैयार हो ना। नहीं मिस, आपने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं। अच्छा, बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी। सुनो सब लोग, ये सब पढ़ना वढ़ना तो होता रहेगा, एग्जाम के दिन मेरे लिए जो अच्छा खाना लाएगा मैं उसी को अच्छे मार्क्स दूंगी और वही पास होगा, तो सब लोग घर से अच्छा खाना या पैसे ले आना। ये सुनीता मिस हर साल करती है, कुछ पढ़ाती तो है नहीं, बस खाना खरीद कर दे दो तो पास करा देती है। ये तो गलत है, नहीं अब मुझे ही कुछ करना होगा। क्लास के सारे बच्चे सुनीता मिस से परेशान थे, इसीलिए सुनीता मिस को स्कूल से निकालने का मस्त प्लान बनाया। एग्जाम के दिन सब लोग खाना तो लाए, कोई बिरयानी लाया तो कोई फ्राइड चिकन लाया, लेकिन सभी ने राखी के कहने पर खाने में जुलाब मिला दिया और सब ने घर पर कह दिया कि आज प्रिंसिपल सर ने माँ बाप को भी स्कूल में बुलाया है। खाना देखकर सुनीता मिस बहुत खुश हो गई। अरे वाह, बिरयानी, फ्राइड चिकन, बहुत बढ़िया, मैं खा लेती हूँ। सुनीता मिस खाना खाती रही और उधर स्कूल के बाहर सबके माँ बाप आ गए। खाना खाते ही सुनीता मिस जोर जोर से पाद मारने लगी। आवाज सुनकर और बदबू सूंघकर सबके माँ बाप भी हैरान रह गए। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है, पाद है या एटम बॉम्ब? और जुलाब के कारण सुनीता मिस पाद मारने के साथ साथ पोटी भी करने लगी। अरे ये क्या हो रहा है, पोटी कैसे निकल रही है, अरे ये क्या है? सुनीता मिस पूरे स्कूल में दौड़ दौड़ कर इधर उधर पोटी करने लगी और बच्चों के माँ बाप ने ये देख लिया और सब ने विद्रोह कर दिया।
हम इस स्कूल में हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। ये मोटी मिस को स्कूल से निकालो। माँ बाप धरने पर बैठ गए और प्रिंसिपल सर ने ये देखकर सुनीता मिस को स्कूल से निकाल दिया। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो पर अपनी माँ की लंबी आयु के लिए कमेंट में आई लव माँ जरूर लिखें। दुर्गा माँ जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। शिवरात्रि के दो दिन पहले की बात है, गांव के उस स्कूल की टीचर जिसका नाम सुरभि था, उनकी क्लास में एक अजीब ही भय का माहौल था। क्लास के बंद कमरे में क्लास की आधी से अधिक लड़कियां अपने दोनों हाथों को उठाए एक पैर पर खड़ी थी। सभी के चेहरे पर दहशत साफ नजर आ रही थी। तुम लोगों को कितनी बार मना किया है कि उस बदमाश रानी के साथ मत रहो, उससे बात मत करो, लेकिन तुम लोग ना सिर्फ उसके साथ रह रही हो बल्कि मेरे खिलाफ साजिश भी रच रही हो। मैम, वो हमारी दोस्त है, हमारे साथ पढ़ती है, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम उसके साथ ना रहे, उससे बात ना करें, और हम कोई साजिश नहीं रच रहे मैम आपके खिलाफ। पुष्पा ने अभी अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि सुरभि मैडम ने पुष्पा के साथ खड़ी लड़कियों की पिटाई करनी शुरू कर दी, वो भी कांटे वाली छड़ी से। लड़कियों के शरीर पर जैसे ही वो छड़ी पड़ती, वो जोर से चीख उठती, उनके शरीर से खून भी निकलने लगता। मैम, मैम मत मारिए, मैम इस तरह कौन मारता है? मैम, मैम देखिए, देखिए हमारे शरीर से खून निकल रहा है, मत मारिए मैम, मत मारिए। नहीं मारू, नहीं मारू, मैं तो मार मार कर तुम लोगों की जान निकाल दूंगी। सुरभि मैम पर उन लड़कियों की चीख का कोई असर नहीं पड़ रहा था, वो उन बच्चियों को लगातार मारे जा रही थी। लेकिन तभी क्लास के उस कमरे में रानी आई और उसने मैम की छड़ी पकड़ ली। मैम ने जब रानी के इस बर्ताव को देखा तो गुस्से से उनकी आंखें लाल हो गई। तेरी ये मजाल कि तूने मेरी छड़ी पकड़ी, रुक रुक, आज मैं तुझे बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। मुझे आप कुछ नहीं बता सकती मैम। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत जो तू मुझसे ऐसी बातें कर रही है? ये कहकर सुरभि मैडम ने रानी के बाल पकड़े और उसका सिर जोर से दीवार पर दे मारा। लेकिन जैसे ही रानी का सिर दीवार पर लगा, वैसे ही एक भयानक बदलाव उसमें हुआ। उसकी जीभ उसके मुंह से निकलकर बड़ी होने लगी और फिर किसी सांप की तरह लपलपाने लगी। सुरभि मैम ने ये दृश्य देखा तो उनके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। इतनी लंबी जीभ और वो भी सांप की तरह, ये कैसे हो सकता है? किसी इंसान की जीभ सांप की तरह कैसे हो सकती है? क्लास के सारे बच्चे भी डर गए थे। सुरभि मैडम डर के मारे थर थर कांप रही थी और इसी बारे में सोच रही थी कि ये सब कैसे हो गया। तभी रानी का पूरा शरीर एक नागिन में बदल गया और वो फुफकारते हुए सुरभि मैडम की ओर बढ़ी। आओ, बचाओ बचाओ, ये तो नागिन है, ये नागिन में कैसे बदल गई? बाप रे, कहीं मुझे काट डाले। सुरभि मैडम भागते हुए क्लास के बाहर निकली। उधर सांप बनी रानी उसके पीछे पड़ गई और कुछ दूरी पर जाकर उसे पकड़ लिया और उसकी गर्दन को अपने मुंह में ले लिया। बचाओ बचाओ, अरे कोई मुझे इस नागिन से बचाओ। मौत सामने आकर खड़ी हो गई है तो डर लग रहा है मैडम? आपने तो एक हत्या की है, एक मासूम की हत्या। आपको क्या लगा कि आप बच जाएंगी? 10 साल पुरानी बात है, तो आपको लगा कि आपने अपने पाप से छुटकारा पा लिया? नहीं मैम, पाप से छुटकारा ऐसे नहीं मिलता, पाप की सजा भुगतनी पड़ती है। कौन हो तुम? आप ही सोचो मैं कौन हूँ। अचानक से रानी की आवाज बदल गई और उसके मुंह से जिसकी आवाज निकल रही थी, उसे सुनकर सुरभि मैडम के दिल की धड़कन बढ़ गई। गुंजा सुरभि मैडम की क्लास में पढ़ने वाली एक बहुत ही होशियार लड़की थी, लेकिन उसकी गलती सिर्फ एक ही थी और वो गलती थी उसका गरीब हो। तुझे बोला था ना आज फीस भर देने के लिए, कहाँ है फीस? हाँ कहाँ है? निकाल, जल्दी निकाल। मैम, इस बार आपको पता है ना,
बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है, सारे खेत सूखे पड़े हैं। पिताजी और माँ काम की तलाश में जाते हैं लेकिन उन्हें कोई काम ही नहीं मिलता। तो मैं क्या करूँ, मुझे इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस फीस चाहिए, क्लास की फीस। लेकिन मैम मैं कहाँ से लाऊं फीस, घर में तो खाने के लाले पड़े हैं। तो फिर स्कूल क्यों आई हो? मैम बापू कहते हैं कि मुझे पढ़कर अफसर बनना है और पढ़ाई के लिए तो स्कूल आना पड़ेगा ना। गुंजा की इस बात को सुनकर सुरभि मैडम चिढ़ गई। अपना चेहरा देखा है आईने में, बड़ी आई अफसर बनने वाली। मुझे फीस के पैसे अभी की अभी चाहिए, नहीं तो मैं तेरा बहुत बुरा हाल करूंगी। अब वो छोटी सी बच्ची बिचारी कहाँ से लाती फीस के पैसे, वो चुपचाप खड़ी रही। सुरभि मैडम को ये बात चुभ गई और उन्होंने उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। उसे इतना मारा कि बेचारी का एक हाथ टूट गया। मैं मत मारी मैम, मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है। मार इसलिए रही हूँ कि दर्द हो, और जब दर्द होगा तभी एहसास होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। मुझे अगर कल तक फीस के पैसे नहीं मिले तो फिर याद रखना, ये दर्द कभी भी खत्म नहीं होगा। सुरभि मैडम थी तो एक औरत, लेकिन उसका दिल किसी जालिम का था। बच्चों को मारने में उसे बहुत मजा आता था, गरीब बच्चे तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थे। कुछ मेधावी बच्चों को गरीबी कोटा पर एडमिशन तो हो जाता था, लेकिन वो उनसे भी फीस वसूलती थी और जो फीस नहीं देता उसके साथ क्रूरता की हद पार कर देती थी। सुन लिया ना, कल किसी भी कीमत पर मुझे फीस चाहिए। गुंजा स्कूल की सबसे होशियार लड़की थी, लेकिन गरीब होने के कारण अक्सर उस पर सुरभि मैडम का गुस्सा उतरता था। आज भी वही हो रहा था। बहरहाल अगले दिन भी गुंजा बेचारी कहाँ से पैसे लाती, वो फिर से खाली हाथ आ गई। फिर से खाली हाथ? कल तुझे इतना कुछ कहा लेकिन तुझ पर कोई असर नहीं हुआ। ठीक है, अब देख मैं क्या करती हूँ। कुछ देर बाद सुरभि मैडम ने गुंजा को स्कूल की छत पर मिलने के लिए बुलाया, लेकिन इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी। मैम आपने मुझे स्कूल की छत पर क्यों बुलाया है? कुछ दिखाने के लिए। आओ यहाँ आओ, बाउंड्री के पास आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। भोली भाली गुंजा आने वाले खतरे से अनजान थी, वो मैम के पास चली गई। मैडम ने उसे स्कूल की छत से धक्का दे दिया, बेचारी गुंजा की मौत हो गई। मुझे गरीब लोग नहीं चाहिए स्कूल में, ये लोग धरती पर बोझ होते हैं। गुंजा की मौत तो हो गई, लेकिन असमय हुई मौत के कारण उसका पुनर्जन्म एक सपेरे के यहाँ हुआ, और वो भी एक सांप के रूप में। लेकिन उसके अंदर जन्म से ही जादुई शक्ति थी, जिस शक्ति के कारण वो इंसान में बदल जाती थी। आपने तो मेरी मौत को एक हादसा साबित कर दिया मैडम, लेकिन शायद आप भूल गई थी कि इंसान की हर एक हरकत पर भगवान की नज़र होती है और वो उस नज़र से नहीं बच सकता। देखो देखो मुझसे गलती हो गई, अब मुझे माफ कर दो। मैम मैं आपको जरूर माफ कर देती अगर आप बदल जाती, मेरी हत्या के बाद भी आप नहीं बदली, आपका अत्याचार चलता रहा, और यही नहीं गरीबों के प्रति आपकी नफरत भी कम नहीं हुई। क्या बिगाड़ा है हम गरीबों ने आपका? हाँ क्या बिगाड़ा है, हमें भी तो भगवान ने ही बनाया है। उसके बाद सांप बनी गुंजा ने सुरभि मैडम को पूरी तरह निगल लिया। सारे बच्चे उस अत्याचारी मैडम की मौत पर बहुत खुश हुए। दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।